तो स्वागत है भाई सभी साथियों का यहाँ से। सभी साथियों को गुड आफ्टरनून, राम राम, सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? आज के दिन का ये बड़ा मुकाबला यहाँ से स्टार्ट है। वो होता हुआ टीम सात ट्रांसपोर्ट मगलूना वर्सेस नेचुआ रॉयल्स, दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता। ये आज नवा दिन और इस नवे दिन का ये पहला मुकाबला, सॉरी दूसरा मुकाबला मगलूना बनाम नेचुआ के मध्य हो रहा है, जिसका टॉस जीता यहाँ से टीम नेचुआ ने। और पहले किया गेंदबाजी करने का फैसला। तो यहाँ से सलामी जोड़ी है वो आ चुके भाई अकरम जाजोद और नितिन मीणा के रूप में। बिल्कुल है, इस टूर्नामेंट की देखा जाए तो अब तक की सबसे विस्फोटक जोड़ी है भाई। बहुत ही ताबड़तोड़ जोड़ी है ये मानी जा रही है, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज ऐसे हैं जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। और अगर ये जोड़ी चल जाती है, यानी कि पांच शुरुआती पांच ओवर खेल जाती है, तो स्कोर भैया आपको बता दो 80 के पार होगा। यहाँ से बहुत ही गजब बल्लेबाजी करते हैं दोनों बल्लेबाज। और यहाँ से पहला ओवर लेके देखते कौन आ रहे हैं। तो विदेशी प्लेयर वो अकरम जाजो जुड़े हैं, वहीं टीम नेचुआ के साथ जुड़े हैं आनंद स्वामी फ्रॉम जसवंतगढ़। थोड़ा सा शेयर कर दो भाई, जो भी साथी इस मुकाबले पे जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है, बड़ा मुकाबला है तो मुकाबले को यहाँ से शेयर कर दो और भी दोस्तों तक ये मुकाबला पहुंचे, और भी साथी इस मुकाबले का लुत्फ उठा सके। तो रिक्वेस्ट आपसे विशेष मुकाबले को शेयर कर दो। जो भी साथी हमारे साथ लाइव पे जुड़े उनका स्वागत है भाई। अपना निर्णय सुनाते हैं, सोच समझ कर सुनाते हैं। जहां कुछ अलग हटकर डिसीजन आता है, दोनों खिलाड़ी दोनों एम्पायर तालमेल बिता के अपना निर्णय देते हैं। मंजू एम्पायर है परवेज खान और याचू। शायद 8 मिनट लगातार यहां पे मैं तो सिलसिला चलता हुआ फर्स्ट राउंड बाबू कौन है? बाबू ग्राउंड में जाए, बाबू तस्कर जहाँ कहीं भी हो ग्राउंड के अंदर जाए फील्डिंग करने के लिए। ईमान है
सही। हेलो पहला मैच हुआ था मादाटू और सेज खाकोली के बीच में, जिसमें खाकोली ने विजय प्राप्त की। राकेश जी ने बोला शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया था पिछले मैच में खाकोली के आरिफ खान। और नाम बाबू है, काम ढीला है, तस्कर आगे लगाते हैं, तस्कर तस्करी करते हो फिर भी इतने ढीले हो, जल्दी कीजिए। हाँ, मकसद भाई खाना हो गया आपकी यहाँ पे, जल्दी कीजिए बाबू तस्कर। कहाँ कहीं भी ग्राउंड के अंदर जाए हंसते मुस्कुराते ग्राउंड के अंदर प्रवेश करते बाबू। और एम्पायर परवेज और यासी जल्दी मैच स्टार्ट करें, पहले भी काफी टाइम में हो चुका है, और एंजॉय कीजिए इस मैच का लाइव विद कासिम पेज के ऑनर कासिम के द्वारा लाइव प्रसारण किया जा रहा है। दर्शकों की दादा धीरे धीरे बढ़ती हुई, विदेशों से लाइव में जुड़े हैं नौशाद खान, असलम अबीब खानी, शमशाद खान समूह, जीसान अली बेसवा, आचाराम बरकंडी बाबा, अंतर्यामी बाबा, बराबर पहला जाएगा बाबा, ये लोग हमेशा क्रिकेट से जुड़े रहते हैं और लाइव मैच का पूरा एंजॉय उठाते हैं। विदेशों में गल्फ में बैठे जावेद खान जेडी बेरी छोटी के अजीत खान और मैच शुरू होने जा रहा है। तो इस मुकाबले की पहली गेंद डाली जा रही है भाई गेंदबाज राकेश के द्वारा, सामने बल्लेबाज नितिन मीणा, पहली गेंद और नितिन मीणा गेंद को सम्मान दिया, यहाँ से सम्मान दिया उस गेंद को, नॉन स्ट्राइक पे है अक्रम, एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी माने जाते हैं सहगाटी अंचल में नितिन मीणा। काफी बार अपनी टीम के लिए इन्होंने शानदार रन बनाए हैं, देखिए चले 10-15 कदम मगर रन दौड़ना प्रारंभ किया विक्टर क्रॉस के। ये गेंद साइलेंट कर ले भाई, ये खराब गेंद वाइड का इशारा यहाँ से आएगा और गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे इसी दो रन पूरे किए आसानी के साथ खिलाड़ियों ने, तो इन्हें एक्स्ट्रा रनों के साथ अकाउंट है वो ओपन हुआ यहाँ से टीम सात ट्रांसपोर्ट कंपनी जो मंगलूना की टीम है उनका। राकेश चले नितिन के लिए, अच्छी गेंद और उतना अच्छा सम्मान नहीं है आपके नितिन मिलान गेंद को, रन बनाने का कोई मौका नहीं। शेयर करो भाई सभी साथी, बड़ा मुकाबला है, शेयर करो यार थोड़ा सा, शेयर करो, बहुत कंजूसी कर रहे हो आप शेयर करने में। अगली गेंद जो भी आपके पास ग्रुप्स है फेसबुक क्रिकेट के व्हाट्सएप के जो भी ग्रुप्स है उनमें सब में शेयर कर दो। शानदार डिलीवरी, शुक्रिया अशफाक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इलियास खान भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं बगासरा से, मजबूर किए हैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। कयूम कुरैशी भाई कैटरिंग सर्विसिंग रावत से हमारे साथ बने हैं, स्वागत है भाई आपका भी। नमूना पेश किए हैं यहाँ पे राकेश ने, तो स्ट्राइक पे बल्लेबाज अब अक्रम जाजोद है भाई, एक बेहतरीन रजनी शर्मा आप आए कमेंट्री में निमंत्रण, बढ़िया जोर भाई आप बताओ। हमारे साथ सेरानियाबाद के टीम कप्तान जुड़े स्वागत है जोर भाई आपका। अगली गेंद पहली गेंद और करारा प्रहार भाई यहाँ से सीधे बल्ले से वन बाउंस चार रन के लिए लोगों के ऊपर से जवाब शॉट भाई यहाँ से अक्रम के बल्ले से निकलता हुआ पहली गेंद पे, फील्डर देखने में कामयाब थे रोकने में नाकामयाब, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर चार रन अगले। संजय भाई साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है संजू भाई आपका भी, संजय स्वामी फ्रॉम सुजला के एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी हमारे साथ बड़े भाई, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया संजू भी आपका जो आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ लाइव पे बने उसके लिए। फिर से आगे डाली गेंद से एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे, थोड़ी सी हल्की सी गेंद लगती है 6 रनों की बाउंड्री से जाती है गेंद, तो आपको ₹200 इनाम के तौर पे दिया जाएगा। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे अलग अलग उपहार की घोषणा है। बेरियन इस गांव में काफी फौजी है, आज एक पोस्ट आई है ननिहाल बेरी छोटे की, देखने लायक पोस्ट थी,
दिल छूने वाली पोस्ट थी वो। हेलो एहसान जी, कैसे हो? जफर खान टीवा भाई, वालेकुम अस्सलाम। के लिए गर्व का पल है ये। मकसूद भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं, जफरुद्दीन पंवार, फारूक खान टाक, कैसे हो सभी भाई? शानदार डिलीवरी, उसको सम्मान दिया। इसी बीच आंखों आंखों में दोनों खिलाड़ियों ने अपना इशारा करके तो या फिर पहले ओवर की समाप्ति में स्कोर जा पहुंचा 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 10 रन बॉलर ने। अब रजनी शर्मा जी अपने कमेंट्री का, और ये जो कमेंट्री हो रही है ग्राउंड कमेंट्री, ₹100 हो रही है। सोपर यूनुस खान है, ₹100 है, 50 पर है, ₹250, 3-6 अगर कोई खिलाड़ी कंटिन्यू लगा दे तो ₹500, हैट्रिक पे ₹500। जबरदस्त यहाँ पे इनामों की घोषणा है, बैनर लगे है लाइपील की तरफ से, जो ये बैनर लगा है ₹100 आपको 6 रन अगर डायरेक्ट इस बैनर के ऊपर लगती है, स्टेप बाय स्टेप स्कूल की तरफ से, जो सॉरी सेंट मेरी स्कूल की तरफ से ₹200 इनाम। मैं गेंदबाज आरिफ खान और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर, नितिन के बल्ले से पहली बाउंड्री यहाँ से चौके के रूप में बनती हुई, सुंदर शॉट था भाई। एतम सर का मैच बता देंगे आपको, जब भी होगा तब अभी कंफर्म नहीं होगा। नितिन के द्वारा और कमेंट्री में अदनान पवार भाई, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू भाई साहब। आरिफ धीरे धीरे कदमों से नितिन के लिए बहुत ही वाइड गया सारा, एम्पायर ने अपने दोनों हाथ फैलाए, इसी एक्स्ट्रा के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। दादा टाइम था क्रिकेट प्रतियोगिता छोटी बेरी में बहुत ही शानदार डे प्रतियोगिता चलती हुई। आरिफ नितिन के लिए ये बॉल, नितिन नो लुक शॉट लेकिन ऊपर बोध रही है फील्डर उसके पीछे बाबू तस्कर, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, गेंद को फील्ड किया जब तक दोनों ही दौड़ के सॉरी अपना छोर फेंक दिया, एक रन मिलेगा यहाँ से। बहुत ही शानदार मैच चलता है बेरी प्रतियोगिता में आज फर्स्ट राउंड का मुकाबला चलता है। जस नेछवा वर्सेज मंगलोना, मंगलोना की तरफ से जाजोद के बाहरी प्लेयर अक्रम खेल रहे हैं, ये बॉल आरिफ की, अक्रम ने बाहर बहुत ही शानदार उत्कृष्ट चौका, विकेट की जानिब ये शॉट खेला था, यहाँ से छोटी गेंद को पुल किया था बल्लेबाज ने अकरम ने, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। सामने है नौशु भाई, कल है रिजवान भाई साहब चांद है वो आ जाएंगे, मेरे परमानेंट आपके साथ मौजूद रहेंगे ग्राउंड कमेंट्री के माध्यम से। आरिफ की यह बॉल दुमकर की टीम ने कमेंट में, और इसी बीच रिवर्स के रूप में इसे गेंद को खेल दिया है, बाउंड्री से बाहर गेंद निकलते ही पॉइंट के जाने की गेंद जा रही है भाई 4 रन के लिए। और आज मेरे को यह भी जानकर खुशी हुई है कि बेरी ग्राम में 3 किलोमीटर तक कोई फेंका नहीं है। आज दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट आई है बेरी गांव की, यहां कम से कम 1700 फौजी। एक बार फिर से आरिफ, अकरम ने रिवर्सिप करने की कोशिश, फील्डर ने शराब मिलना दूर की बात है, यहाँ पे चाय का ठेला भी नहीं है बेरी की, सुन के बहुत ही अच्छा लगा, पढ़ के भी बहुत अच्छा लगा। अकरम के बल्ले से 4 रन के लिए, एक टप्पे के बाद बाउंड्री से बाहर 4 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। स्वागत है नौशु खान भाई आपका, इंतजार रहता आपका लाइव पे, आप बहुत कम जुड़ने लगे आजकल नौशु भाई। 400 जवान सीमा पर तैनात है, बहुत ही कम ऐसे गांव है। गुजारिश है कि प्रॉपर आप अपना समय वो देते रहे लाइव को, और अपने जो सभी समर्थक आपके उनको आप एंटरटेनमेंट है वो करते रहे। और 1000 रिटायरमेंट आर्मी मैन यहाँ पर मौजूद है, उनका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि ऐसी पावन धरा पे उन्होंने जन्म लिया है। और बेरी की यूको बैंक जो राजस्थान ही नहीं पूरे इंडिया में टॉपर हुई है, कम से कम 2 करोड़ या 2.25 करोड़ वो हर महीने में पैसे ट्रांजैक्शन होते हैं उनके तनख्वाह से, जो यहाँ पे 44 या 45 रुपए में
सालाना नहीं महीने में जिनको पेंशन मिलती थी आज उनको 35,000 पेंशन मिल रही है बेरी के, उनको भी ओवर तीसरा ओवर लेके आए हैं राकेश। नितिन मीणा ने गेंद को निकाल दिया है और फील्डर मौजूद। स्कोर बढ़ता हुआ 29 बिना किसी नुकसान के। मंगलूना बहुत ही अच्छी स्ट्राइक के साथ बैटिंग करती हुई। अगर नेछवा को इस मुकाबले में बने रहना है तो एक झटका तो दोनों में से एक देना होगा। धन्यवाद का मैच बता देंगे इमरान भाई आपको जब भी। राकेश स्ट्राइक गेंदबाज है नेछवा की ओर से अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर देके। हमारे पास सिर्फ आज के मैचों की सूचना है, उसके अलावा कल के मैचों की सूचना है। अकरम ने एक बार फिर से रिवर्सिप की कोशिश की लेकिन बॉलर की बहुत ही शानदार सीधी पैरों पर टकराई बॉल। आज के मैच के फर्स्ट एम्पायर है परवेज भाया और सेकंड एम्पायर यासर खान लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और बहुत ही अच्छा बैट्समैन भी है बेरी की ओर से। राकेश धीरे धीरे कदमों से अकरम के लिए। अकरम ने निकाल दिया और ये लीजिए भाई सीधा फील्डर के हाथों में। बहुत ही शानदार कैच पकड़ा है। बिल्कुल शॉट में कोई कमी नहीं थी लेकिन अच्छा कैच पकड़ा भाई यहाँ से। लगने वाला पहला झटका 29 के स्कोर पे अकरम जाधव के रूप में। शानदार कैच भाई। मंगलूना का लगने वाला पहला झटका अकरम जाधव के रूप में। बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है राकेश। जेके नाम की टी शर्ट पहन रखी है राकेश ने और जैसा कमेंट्री में बोला गया तुरंत ही विकेट लिया है और मैच अब बराबरी पर चलता हुआ अब कमेंट्री के रूप में आ रहे। और मेरे हिसाब से फौजी साहब ने एक मिनट पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अब अकरम पेवलियन लौटने वाले हैं। नाम तो याद है मुझे। आज फौजी वन मैन आर्मी बने हुए हैं फौजी साहब। टी शर्ट में चार चांद लगा रहे हैं कैमो फ्लाई ड्रेस टी शर्ट पहन रखी है फौजी साहब ने। अच्छे हरफन मौला खिलाड़ी है मंगलूना की ओर से आरिफ खान है बल्लेबाजी के लिए भाई। अच्छे बल्लेबाज है ये छोटी टीम में पावर हिटर आनंद स्वामी के रूप में विदेशी प्लेयर खेलता हुआ। हाँ ये बात सही है रोशन भाई साहब की बहुत सी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक बैठती है। राकेश बहुत ही अच्छी बॉल है मेरे हिसाब से क्रिकेट की सबसे शानदार बॉल है। गुड शॉट ऑफ गुड लक बॉल ऑफ स्टंप से बाहर। राकेश एक विकेट की खुराक के बाद में मेरे हिसाब से इस मैच की सबसे अच्छी बॉल। हाँ बिल्कुल बादल भाई शुक्रिया आपका। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी राकेश की पैरों पर गेंद को कंट्रोल करते हुए टेनिस क्रिकेट की जो बॉल होनी चाहिए वो करते हुए राकेश लेकिन आरिफ ने उसको फुल सम्मान दिया। ओ बहुत ही अच्छी बॉल राकेश की उसका पूरा सम्मान दिया आरिफ ने। इस मैच का लाइव प्रसारण लाइव विद असीम पेज पे चलता हुआ फेसबुक पेज पे बहुत ही शानदार लाइव टेलीकास्ट चलता हुआ लाइव विद असीम पे। सभी से गुजारिश है ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। दादा खाइम खां क्रिकेट प्रतियोगिता बेरी छोटी बेरी में बहुत ही शानदार उत्कृष्ट टूर्नामेंट चलता हुआ। बीडवाना ही नहीं पूरे नागौर जिले का बेस्ट टूर्नामेंट इन द बेरी। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट का आयोजन करा रहे हैं बेरी के आयोजक। Thank you.
तो पारी के तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर है 29 रन, एक विकेट के नुकसान पे। स्ट्राइक पे बिल्कुल अब नजर आएंगे आपको नितिन मीणा, ये भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है भाई। देखते हैं आरिफ खान वर्सेस, आरिफ खान का मुकाबला कैसे होगा। नितिन मीणा एक उभरते हुए खिलाड़ी, इस ध्यानचंद के जबरदस्त खिलाड़ी माने जाते हैं। देखते हैं अपनी टीम के लिए कितना स्कोर बनाते हैं नितिन मीणा। अभी स्कोर है 4 ओवर की समाप्ति पे, कुल स्कोर 29 रन, एक विकेट के नुकसान पे, सॉरी 3 ओवर की समाप्ति पे। हाँ भाई, शाहरुख अभी भी बैठे हैं डगआउट में, आए नहीं है। शानदार डिलीवरी, शोर बदला दोनों खिलाड़ियों ने, एक रन चुरा। इसी बीच सूरज नेचुरल विकेट कीपर भागे, दौड़े और गेंद को गैदर किया और फील्डरों द्वारा वापस गेंदबाज आरिफ के पास गेंद आती। और जो सूचना दी थी अभी नहीं है, संशेर भाई 5 साल नहीं है, कासली का मैच बताएंगे तो भाई लोग जो जब भी होगा तब। चाय का पांडाल वहाँ बैठे, उनका सीना गर्व से ऊंचा हो गया, काफी भूतपूर्व उनमें सैनिक भी है, विदेशों में भी उन्होंने ड्यूटियां की। ये गेंद अच्छी गेंद, इसी बीच वहाँ पे फील्डर मौजूद, लेकिन टीम मिड विकेट की तरफ ये गेंद जा रही है, लेकिन अच्छी फील्ड हुई है तो अपनी टीम के लिए 2 रन यहाँ से बिल्कुल बचे भाई। एम्पायर का फैसले का इंतजार रहेगा, जबरदस्त एफर्ट किया था, 2 ही रन अपनी टीम के लिए, 2 रन बचाए, जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया। खिलाड़ी का नाम अभी पता नहीं, लेकिन जबरदस्त एफर्ट देखने को मिला, शायद कारण है तो हाथ खड़ा करे, जबरदस्त फील्डिंग। तो जब भी 5वां ओवर आएगा और उस 5वें ओवर की अगर ये गजब का शॉट है भाई, ऐसे मारेगा ये बहुत बड़ा छक्का, मिड विकेट के ऊपर से भाई बहुत बड़ा छक्का, काफी देर तक रुकी हवा में। तो हम बात करें यहाँ से, जब भी 5वां ओवर आएगा और उस 5वें ओवर की जब लास्ट गेंद होगी तो उस पे अगर कोई भी बल्लेबाज बाउंड्री या फिर कोई भी गेंदबाज अगर विकेट लेता है तो बिल्कुल बादल भाई की तरफ से मुझे 200 रुपए की जो राशि है वो दी जाएगी। गेंदबाज के पास बाबू तस्कर जहाँ जाते हैं गेंद उनके पीछे, बिल्कुल या तो विकेट आना चाहिए फिर बाउंड्री लगनी चाहिए। अगली गेंद और जबरदस्त 200 रुपए बिल्कुल खुशी भाई की तरफ से भी मुझे दिए जाएंगे। बाबू तस्कर ने कोशिश अच्छी, प्रयास अच्छा अपने गेंदबाज के लिए, बाबू तस्कर छा गए आज इस फील्ड में, बाबू तस्कर। तो अब इंतजार रहेगा उस 5 ओवर की अंतिम गेंद का, विदेशी रूप में बाबू तस्कर। क्या लगता है साथियों आपको, क्या यहां से बाउंड्री या फिर अगली गेंद आरिफ की, विकेट आएगा, शॉट है भाई, नो लुक ये शॉट खेला यहां से, गजब का शॉट भाई, बेहतरीन शॉट यहां से नितिन के बल्ले से निकलता हुआ, नाकामयाब गेंद जारी से मारा गया। पर उतनी कम इस बल्लेबाज की, और इस बल्लेबाज को ये मिला क्लास में जो शैली है उसकी, बहुत बेहतरीन शॉट है। हमारे साथ सुमित भाई भी जुड़ चुके हैं, शानदार शुरुआत हो जा सकती है, टीम के जो कप्तान है और जसवंतगढ़ टीम का आज एक खिलाड़ी भी नजर आ रहा है आपको, टीम नेचुरल के साथ जुड़ा है आनंद स्वामी, जो कि बिल्कुल लॉन्ग ऑन पे आपको नजर आ रहे हैं। 43 रन बन चुके हैं, 4th ओवर चलता हुआ, 11 रन प्रति ओवर रन रेट यहाँ चलती हुई, जबरदस्त एफर्ट, फिर से रिवर्स का प्रयास, लेकिन इस बार बीट हुए ओवर की समाप्ति, यहाँ से डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर डबल हो गया यहाँ से 43 ओवर विकेट, और एक जो विकेट खोया था वो बड़ा विकेट था भाई, अक्रम जादू जो की अनुपस्थित खिलाड़ी के रूप में जुड़े थे आज टीम मगलूना के साथ, लेकिन एक खराब गेंद पे अच्छा शॉट खेला, लेकिन फिर भी कैच आउट हो गया, वहाँ पे नहीं होने की वजह से नॉट आउट करा दिया गया, निरस्त किया गया। स्वागत है साजिद खान भाई साहब आपका भी, मेरी टीम में खेले ना खेले लेकिन आज मौका मिला है बाबू तस्कर को विदेशी के रूप में टीम ने छा में। अब नए गेंदबाज है वापिस करण, अपना पहला ओवर डालेंगे, 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 43 रन, एक विकेट के नुकसान पे, आउट होने वाले बल्लेबाज थे अकरम। और इस ओवर में भी कुछ घटनाएं घट सकती है आरिफ के लिए, लंबे कद के छरहरे खिलाड़ी करण चले दौड़े, ये गेंद अच्छी गेंद, नाकामयाब यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत शॉट भाई, 4 रन के लिए। बाबू तस्कर ने कोशिश बहुत झारन अंदाज में की थी, लंबे लंबे डीजे भरी, लेकिन कामयाब नहीं और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए।
सुंदर शॉट, शानदार शूट मारा था बाबू ने, बिल्कुल दिशा दिखा दी, मस्त दिशा एफर्ट दिखाया था दौड़ में, लेकिन बहुत ही खूबसूरत प्लेट कट अपरकट का ले गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। कुल स्कोर 47 रन एक विकेट के नुकसान पे। फिर से बेहतरीन शॉट और फिर से रन मिलेंगे, यहां से रन मिलेंगे बिल्कुल पूरे चार, जबरदस्त प्रहार, बहुत ही जबरदस्त क्लास मक, यहां से बिल्कुल क्लास देखने को मिल रही है, रचनात्मक बल्लेबाजी यहां से आरिफ खान के द्वारा। पहुंच चुके हैं 16 रनों के निजी स्कोर पर, टीम का स्कोर पहुंचा 51 विकेट लॉस ऑफ अकरम जाजा। रेहान पठान स्वागत है भाई आपका भी, क्या जबरदस्त शॉट मारे हैं हाकिम खान, आरिफ खान ने दोनों शॉट देखने लायक शॉट थे, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत सभी साथी लाइव पे जुड़े उनका। आरिफ खान के लिए नॉन स्ट्राइक पकड़े हैं नितिन, रिवर्स का मन बनाया है और जब मन बनाया है तो यहां से रन मिलेंगे, फील्डर मौजूद गेंद जा रही है, मिलेंगे पूरे चार, कंटिन्यू बैक टू बॉट बैक, 300 यहां पे लगाते हैं, जोको की हैट्रिक है वो लगती है यार, इसके बल्ले से छोटे कदम कद के हैं लेकिन प्रहार जो देखने को मिल रहे हैं जबरदस्त शॉट, तीन लगातार बैक टू बैक चार रन यहां पे, और एक महंगा ओवर कहा जा सकता है करण के द्वारा। नितिन का बल्ला जरूर खामोश है लेकिन यहाँ पे नितिन का तो इस टीम के सबसे शानदार गेंदबाज करण हो रहे हैं, करण को यहाँ पे बिल्कुल 9 गेंदों में 20 रन बना चुके हैं, तीन बाउंड्रियों के द्वारा तीन चौके मार चुके हैं और क्या ये चौथा भी आएगा, यहाँ से आ तो सकता है शॉट तो बड़ा बेहतरीन है लेकिन कैच, धमाल मचा दिया है बाबर कैच लिया अपने दोनों हाथों को शाहिद आफरीदी की तरह एक्शन में किया और कैच आउट होने के बाद में हंसी की मुद्रा में बाबू तस्कर छा गए, आज खुशी ग्रेट हो बाबू तस्कर, जहां जाते हो बॉल आपके इर्द गिर्द घूमती है, बाबू तस्कर, बाबू तस्कर के इसे कैच के ऊपर है तो स्वागत है भाई के नालवा भाई साहब भी हमारे साथ जुट चुके हैं, करीम खान भाई नालवा से 100 रुपए इनाम, स्वागत है भाई आपका, क्रिकेट का जेंटलमैन इसलिए कहा जाता है, बाबू तस्कर क्या तारीफ करें आपकी, जितनी तारीफ करें उतनी कम है, 100 रुपए आपको मिले इनाम 100 रुपए इस शानदार कैच के लिए, और जहां जहां हमने बार बार बोला बाबू तस्कर बाबू तस्कर, बाबू तस्कर ने वो कमाल कर दी है, शानदार कैच पकड़े है और बाबू तस्कर को 100 रुपए सोनू हयात की तरफ से इस कैच के ऊपर मिले हैं। मैं समाप्त होने के बाद में तुरंत आप सोनू हयात से ले लेंगे 100 रुपए। नहीं बल्लेबाज आएंगे, इरफान सामना करेंगे करण की गेंद का, शुक्रिया इमरान भाई, ये भी गेंद हवा में लेकिन इस बार थोड़ा सा नो मैन एरिया में गिरेगी, ये गेंद आज जहां भी जाएगी बाबू वहां मिलेंगे और वही हो रहे हैं, वेल डन बाबू भाई, सेरानियाबाद की टीम को लेकिन उनका मैच का वही पांच ओवर प्रगति पे, शायद अंतिम गेंद है पांच ओवर की, पर मेरे ख्याल से बाबू के लिए भी कुछ मैसेज जाने वाला है, बाबू बाबू का नया खिलाड़ी आ चुका है मेरे ख्याल से, बाबू को रिप्लेस होना पड़ेगा, मेरे ख्याल से बाबू टीम के लिए लकी है, हल्के हाथ से फ्लिक किया इस गेंद को, एक ही रन मिलेगा, नहीं रिटेल सोलर 250 रुपए गए हमारे, अगर इस गेंद पे बाउंड्री या विकेट आते ना फिर वो 250 रुपए थे बादल भाई की तरफ से, तो 100 रुपए सॉरी 500 रुपए, तो 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर आई है 57 रन 2 विकेट के नुकसान पे, शानदार खिलाड़ियों के जज्बे के लिए हौसला अफजाई के लिए जो भी बैनर लगे हैं, कहीं 100 रुपए है कहीं 200 है कहीं 500 है कहीं 250 है, और बाबू तस्कर के लिए ग्राउंड से भाग जाते हैं तो 500 कोई नहीं, इमरान भाई देखते हैं क्या निर्णय आता है, आनंद स्वामी है भाई कमेंट बॉक्स में संपर्क करें, समाप्त 5 ओवर की समाप्ति में कुल स्कोर है 57 रन 2 विकेट के नुकसान पे, बाबू तस्कर कमेंट बॉक्स में है अपने 100 रुपए, अभी तक नितिन जिस काम के लिए जाने जाते वो काम अभी कर नहीं रहे हैं, 11 गेंद पे सिर्फ 14 रन बने उनके बल्ले से, और बाबू तस्कर जब तक ग्राउंड में थे टीम में काफी एनर्जी थी, देखते हैं नए खिलाड़ी क्या दृश्य पैदा होता है, बाबू तस्कर छा गए आज,
बहुत इसके आना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में आपको 100 रुपए इनाम के तौर पे दे जो दिए हैं वो आपको लेके जाना है। पांच और की समाप्ति में कुल स्कोर है 57। इरफान और नितिन मीणा खेलते हैं। नितिन मीणा जिस नाम के लिए जाने जाते हैं आज उस काम के अंदाज से वो बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। नए खिलाड़ी हैं गुफरान गेंदबाज। गुफरान क्या गुफरान गुमराह करेंगे खिलाड़ी नितिन को या खिलाड़ी नितिन भारी पड़ेगा गेंदबाज को? भाई बादल भाई पे विश्वास है, बिल्कुल उन्होंने इससे पहले भी बहुत सी घोषणाएं हम पे की और बिल्कुल पूरी भी की है। शॉट ये भी बेहतरीन, इस बार फील्डर तैनात है वहाँ पे, फील्डर वहाँ मौजूद। अगर मगरिया टीम मैच जीती है तो इमरान दिलावर खान की तरफ से पूरी टीम को हाँ भाई जसंतगढ़ वाले शानदार ब्रेकफास्ट वो जुड़े आज नेचुआ के साथ। मगलोड़ा के भांजे हैं इमरान खान, उनकी तरफ से पूरी टीम को शानदार नाश्ता। और बाबू तस्कर धीरे धीरे कदमों से आते हुए हमारी तरफ, उम्दा फील्डर कहे जा सकते हैं बाबू तस्कर, जहां खड़े थे वहीं गेंद जाती रही इनके पास। गुफरान चले अगली गेंद, शानदार डिलीवरी और ये लीजिए एम्पायर का इशारा, विकेट नंबर 3 का पतन यहाँ से होता हुआ भाई, एक आसान सा कैच आवाज जरूर आई थी लेकिन हमें तो पता नहीं चला। एम्पायर का इशारा आउट, सूरज ने अच्छा कैच पकड़ा और यहाँ से विकेट नंबर 3 का पतन होता हुआ। इसी बीच तीसरा विकेट गिरा है यहाँ पे 58 रनों के निजी स्कोर पे। रन रेट शानदार है टीम मगलोड़ा की, लेकिन अभी जो दो विकेट लगातार बैक टू बैक गिरे हैं, देखते किस हिसाब से खेलते हैं खिलाड़ी। अब आए हैं जहीर हेडन, भारी भरकम शरीर के जरूर है जहीर हेडन, लेकिन शॉट भी वैसे ही मारते हैं जहरीले अंदाज से। बल्लेबाज है जहीर हेडन, जहीर अमित खान सुजानगढ़ की टीम नहीं है इस टूर्नामेंट में। और कमेंट्री का बात संभालेंगे रजनीश शर्मा। बाबू तस्कर को धन्यवाद जो इन्होंने आज उम्दा किस्म की फील्डिंग की। बाबू तस्कर मोबाइल को थैंक यू फौजी साहब। मंगलोड़ा का स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन 3 विकेट के नुकसान पे, छठवां ओवर प्रगति पे गुफरान खान के द्वारा अब न्यू मेस्ट बन गए हैं जहीर हेडन। हेडन के नाम से मशहूर है जहीर। गुरफान अपने ओर से धीरे धीरे हेडन ने गेंद को देखा, पहला ओवर छोड़ दिया, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, बहुत ही शानदार डिलीवरी गुफरान, पूरा अनुभव का फायदा लेते हुए नेचुआ की ओर से सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज ये बात। और जहीर हेडन ने नाम के अनुरूप शॉट को हिट कर दिया है, फील्डर इसके नीचे फाइल है और इसी के साथ मंगलूना का लगने वाला पहला चौथा झटका। विनु भाई सिरानियाबाद का मैच अभी कन्फर्म नहीं है कब होगा, छोटा झटका जब भी होगा एक दिन पहले हम पोस्ट डाल देंगे। बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं गुफरान, अनुभवी तेज गेंदबाज गुफरान। शाहरुख भाई हमें क्या पता क्यों नहीं है टीम, आप सुजानगढ़ के कप्तान से पूछो या फिर पूछो फिर आयोजन कमेटी। खुशी जहीर हेडन का स्थान लेने गए हैं खुशी और नितिन मीणा, काफी देर से स्ट्राइक नहीं मिल पा रही है शायद उनको, अभी तक शाहरुख नहीं आया अभी भी 58 रन 4 विकेट सचिन माने जाते हैं शाहरुख, लेकिन वो आए नहीं। हमेशा देखते हैं हमें ओपनिंग बैटिंग के लिए आते हैं, लेकिन अभी तक नहीं। थोड़ी सी वापसी जरूर की है यहाँ पे टीम नेचुआ ने और ऐसे ही गेंदबाजी कर रहे हैं। स्वागत भाई आप अगली गेंद गुफरान की, जसंतगढ़ की टीम ने इस टूर्नामेंट में भाई खुशी ने किया भाई नाक से अपने इस खराब शॉट से टीम कप्तान को और विकेट नंबर 5 का पतन होता हुआ भाई गुफरान की। और कमाल की गेंदबाजी और
मेरे ख्याल से मंगलवार को नहीं है। अच्छे संकेत नहीं, अगर आपकी विकेट ऐसे गिरते रहेंगे तो इतना बड़ा लक्ष्य आप दे नहीं पाओगे। अभी भी 4 और बाकी है, तो कम से कम 24 गेंदों में 40 रन बनाए तो कुछ मुकाबला फाइट होने वाला देख सकता है, क्योंकि नेचुआ टीम में भी जबरदस्त खिलाड़ी है और दुमकर की टीम में लेके आ रहे हैं खिलाड़ी। पहले गेंद के ऊपर गए दुमकर का खिलाड़ी, वो आउट होने को मिलेगा इस टूर्नामेंट में विदेशी ग्रुप में। शाहरुख नए बल्लेबाज में है, शाहरुख सचिन अगर वो 50 रन बनाते हैं तो ₹500 मोनू के द्वारा। मगलोड़ा के जो खिलाड़ी है शाहरुख सचिन, यहाँ से अगर वो 50 रन बनाते हैं तो ₹500 मोनू की तरफ से। और नितिन मीणा को मेरे ख्याल से अब रुकना नहीं चाहिए, काफी देर से क्रीज पे खड़े हैं। ओपनर बल्लेबाज है, आपका काम है, आप टीम के कर्णधार माने जाते हो, अभी तक तो वो ऐसा कोई शॉट आपने दिखाया नहीं है, काफी देर से टिके जरूर आप। ओपनर बल्लेबाज आए थे, नदीम जरूरी सही थी आपको इस टूर्नामेंट में देखने मिले भाई। सात ओवर चलता हुआ, गेंदबाज है करण, अपना दूसरा ओवर लेके गेंद, अच्छी गेंद, उसको सम्मान दिया है नहीं करे बल्लेबाज नितिन मीणा आज को लेके, नहीं तो भाई पहली गेंद से स्टार्ट हो जाता है बल्लेबाज दौड़ बल्लेबाज के लिए, लेकिन आज कोशिश भी नहीं कर रहे। सॉरी 14 गेंद खेल के 15 रन अभी तक तो टेस्ट वाली से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बाकी खिलाड़ी तो बहुत शानदार है। क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, किस हिसाब से खेलेंगे ये गेंद? इस बार बेहतरीन शॉट है भाई, डीप बैक पर बाउंड्री की तरफ के बाहर। कोहली स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। एक समय था जब 44 रनों के ऊपर एक विकेट गिरा था, डीप बाउंड्री की तरफ शानदार शॉट था भाई 4 रन के लिए। 50 और 7 के बीच में इस टीम ने 4 विकेट लगातार खो दिए। सात ओवर चलता हुआ, कुल स्कोर अभी भी अटका हुआ 62 रन। अच्छी गेंद, तो यहाँ से 4 गेंदों पे एक चौका आया, उस चौके बिल्कुल पानी फेर दिया बाकी इन 3 डॉट गेंदों ने। जाने माने अनजाने जाने माने एम्पायर करामत खान पहुंच चुके ग्राउंड में, जबरदस्त गेंद वहां पे फील्डर मौजूद, इसी बीच एक रन चुराया। दोनों खिलाड़ियों ने स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन। हाँ बिल्कुल विनु भाई, मन तो लगाना ही पड़ता ना। क्या नागौर कैसे कबड्डी सब अपने ही है। अगली गेंद करने की, सही बताओ विनु भाई क्यों मजाक कर रहे हो। शानदार डिलीवरी, ओवर की समाप्ति, यहां से 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 63 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। 7 ओवर की समाप्ति पे कुल स्कोर है 63 रन, बस खत्म। शानदार एम्पायर का प्रवेश है यहां पे, थोड़ी देर के लिए अजान हो रही है तो अब ग्राउंड कमेंट्री बंद रहेगी भाई। हमारे जबरदस्त खिलाड़ी भी हैं, मेरी टीम से काफी बार इनकी द्वारा बैटिंग देखने को मिली और अच्छी एम्पायरिंग करते हैं। अरे अभी एक ग्राउंड पे एम्पायरिंग कर रहे हैं परवेज भाया और यासिर, नए गेंदबाज आ रहे हैं। और अब हिटिंग लाजवाब करनी होगी टीम,
मंगलोरिया खिलाड़ियों को और यहाँ पे सबसे रन बन चुके हैं डॉग लवर्स भाई। मेरा नंबर ये जो आपको लाइव स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना 9351178332 ये नंबर है। जबरदस्त प्रहार फिर से बाउंड्री आते भाई मिड विकेट की तरफ शानदार बल्लेबाज है। अब यहाँ से अब हाथ खोलना चालू कर दिया भाई बल्लेबाज नितिन मीणा ने बैक टू बैक दो जबरदस्त चौके। अब यहाँ से दो शॉट देखे हैं अपने टाइम लेके जो उन्होंने गेंदे खेली थी एक बार 14 गेंदों पर 15 रन थे उसके बाद टाइम लेके इन्होंने अपने गेंदों को कवर करते हुए 28 रनों पर पहुंच चुके हैं। भाई अजान नहीं थी अभी भी शो में से कुछ सुनाई दिया था वो कुछ अनाउंस हो रहा था कोई ऐलान था वो हो रहा था मस्जिद में। अब की बार कमाल की हमने भी नहीं देखा था हमने भी बस ऐसे बल्लेबाज जो सोच रहे थे वो गेंद उनके रेंज में नहीं गिरी जबरदस्त गेंदबाजी अब की बार सोहेल खान के द्वारा सॉरी सलमान खान के द्वारा। और ये लीजिए भाई खाली बोल्ड कर दिया यहाँ पे नौ लोग शॉट के फिराक में थे लेकिन जबरदस्त गेंद भाई गजब की गेंदबाजी भाई सलमान खान जबरदस्त गेंदबाजी लाजवाब डिलीवरी जो पिछली गेंद थी उस पर चकमा दिया अगली गेंद के अंदर नितिन क्लीन बोल्ड कर दिया यहाँ पे सलमान खान ने शायद कुछ इस टीम ने चाहे पुराने खिलाड़ी से लगते हैं सलमान और अपनी लाइन गेंद से एक पहली गेंद में मजबूर किया दूसरी गेंद से बीट करके क्लीन बॉल किया लाजवाब डिलीवरी स्कोर पहुंचा 8 ओवर चलता हुआ 11 रन बन चुके हैं आउट होने वाले बल्लेबाज नितिन मीणा कैमरे की तरफ आते हुए नए बल्लेबाज खालिद खान नॉन स्टार्ट शाहरुख जिनके लिए इमरान ने घोषणा की थी कि 500 रुपए सॉरी मोनू ने घोषणा की थी कि 50 रन बनाते हैं तो 500 रुपए की कमेंटेटर फोसाब है इनामी रियासत दी जाएगी लेकिन अभी तक शाहरुख जबरदस्त गेंदबाजी वहां पे खिलाड़ी मौजूद इसी बीच छोर बदला दोनों खिलाड़ियों ने और मैच बड़ा जबरदस्त होगा क्योंकि नेचवा में आनंद स्वामी और सूरज नेचवा इन दोनों खिलाड़ियों को काफी बार देखा है शानदार बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। सूरज नेचवा जो अभी विकेट कीपिंग कर रहे हैं विदेशी के रूप में जो आनंद स्वामी खेल रहे हैं और इसी बीच से गेंद जाती हुई बाहर की तरफ एम्पायर यासिर खान के द्वारा व्हाइट करार दी गई कुल बढ़ता हुआ स्कोर सलमान खान की खराब गेंद फुल टॉस गेंद और एक फील्डर को भी माने जबरदस्त फील्डिंग बहुत ही खराब फील्डिंग आसान सकेच यहाँ पे बाबू तस्कर की कमी जरूर खलेगी। अरे भाई आपने मेरे को व्हाट्सएप नंबर नहीं भेजा इन व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर दो वीडियो भेजूंगा आपको आपका नंबर नहीं था मेरे पास और शानदार कैच लेते और फिर दोनों हाथों का एक्शन दिखाते बाबू तस्कर होते अब तो सूर्य नेचवा को भी लग रहा है कि बाबू तस्कर होते तो ये कैच इजी कैच था और उसको ड्रॉप किया है खिलाड़ी ने खुशी मोहम्मद है भाई मेरे पास 14 रन बन चुके हैं नौ ओवर प्रगति पे गुफरान जबरदस्त लाइन लेंथ अंतिम ओवरों की 11 गेंद शेष है और यहां से देखना पड़ेगा इन 11 गेंदों में 22-23 रन जोड़ पाती है नहीं टीम मगरूड़ा लाजवाब डिलीवरी जबरदस्त लाइन लेंथ यहां पे गुफरान के द्वारा अगली गेंद अंतिम ओवर का अंतिम नौ ओवर चलता हुआ जिसकी तीन गेंदें हो चुकी है तकरीबन एक जबरदस्त गेंदबाजी का स्पेल देखने को मिला है यहाँ पे गुफरान के द्वारा लेफ्ट हैंडर के लिए इस हिसाब से गेंद आ गई गुफरान की अगली गेंद
क्या लाजवाब डिलीवरी डाली है भाई, कमाल की गेंदबाजी, अंतिम ओवर चलते हुए और बुफन क्या जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। लाजवाब डिलीवरी, जबरदस्त एफर्ट, शायद टीम के सीनियर खिलाड़ी हो रहे हैं यहाँ पे। एक रन मिला, दूसरे रन की कोशिश और क्रीज में बाकी तारीफ करनेगी इस गेंदबाज की, क्या कमाल की गेंदबाजी की है। नौ ओवर चलता हुआ और उसमें इस खिलाड़ी ने क्या लाजवाब स्पेल दिखाया अपना। गुफरान चार रन देखे इस खिलाड़ी ने, तीन विकेट झटके, काबिले तारीफ गेंदबाजी, जबरदस्त एफर्ट, शायद टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं और जबरदस्त इन्होंने तजुर्बा दिखाया। जरूर चार रन गए लेकिन काफी शानदार बॉलिंग। और इसी बीच स्कोर बढ़ता हुआ 81 रन, अंतिम ओवर है। अरे भाई आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं है मेरे पास, ये जो मेरा नंबर है इस पे आप मेरे को मैसेज कर दो, वीडियो भेज दूंगा आपको। अंतिम ओवर है, अंतिम ओवर लेके आए सलमान खान। स्कोर अटका हुआ 81 रन, पारी का अंतिम ओवर लेके आए सलमान खान। क्या ऐसी गेंदबाजी कर पाएंगे जिस हिसाब से उन्होंने गुफरान ने गेंदबाजी की, दो ओवर में तीन विकेट निकाले, कीमती तीन विकेट। सलमान की गेंद, फील्डर मौजूद और गेंद और यहां से चार रन मिलेंगे भाई सचिन को, पहली बाउंड्री उस हिसाब से 1700 मीटर मिस फील्डिंग की, उस हिसाब से यहां पे मैच के खिलाड़ी ने मिस फील्डिंग की और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। स्कोर पहुंचा धीरे धीरे 85 रन सलमान। आसान ये गेंदबाज बड़ा ललचीला है, ललचाता है खिलाड़ी को, राशिद खान की तरह एक्शन है और अपना आइडल भी मानते हैं तो खिलाड़ी नया राशिद खान अफगान का। लेकिन सलमान खान की सूचना मिली है कि राशिद खान को फॉलो करते हैं और उसी हिसाब से गेंदबाजी करते हैं, कमाल की गेंदबाजी सलमान। बाबू तस्कर जहां टाइम पे कॉमेंट्री बॉक्स में पहुंचे, बाबू तस्कर के बहन सुना सुना है जहां के नाम है सलमान। लाजवाब डिलीवरी, कमाल की गेंदबाजी, पहले छाए तूफान फिर आए सलमान, कमाल के गेंदबाज दोनों, अंतिम ओवर चलते और यहां विकेट गिरते। अगली गेंद एक और बेहतरीन गेंद भाई यहां से सलमान के द्वारा, गजब की गेंदबाजी धीरे से देते हैं। इस प्रकार बॉलीवुड में सलमान ईटा भी इसी प्रकार है, बिल्कुल इस मुकाबले में ये सलमान ईटा की गेंदबाजी है यहां पे सलमान। 85 अंतिम ओवर चल रहे हैं, आठ यहां से लग रहा था 9-10 ओवर में कम से कम 22-30 रन जोड़ेंगे लेकिन यहां विकेटों की पतझड़ शुरू और ये काम किया गुफरान और सलमान ने, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की इन खिलाड़ियों ने। सलमान मंद मंद मुस्कुराते हुए राशिद खान को याद करते हैं और वही डिलीवरी डालते, क्या कमाल की गेंदबाजी की है। विकेटों की तू चल में आए वाली कहानी चलती है यहाँ पे। सलमान खान कहीं लेदर बॉल से तो मैच नहीं खेला है खिलाड़ी, बैट्समैन सलमान नेम गाया बैट्समैन को, सब नाम गई है लाइव विद काशिम पेज।
नाम पूछ जो भाई नाम के ओनर युवा जाबांस उत्साहवर्धन खिलाड़ी रह चुके हैं दुम करके लाइव विद कासिम पेज के ओनर कासिम और उनके इस लाइव प्रसारण पे काफी लोग जुड़े हुए हैं और इस टूर्नामेंट की इस लाइव कवरेज की काफी तारीफें सुनने को मिल रही है। चारों तरफ जो बैनर लगे हैं कहीं आपको 200 रुपए का इनाम है कहीं 100 रुपए कहीं 500 रुपए अरे सलमान मान गए तेरे इस गेंदबाजी के सम्मान को क्या गेंदबाजी है भाई 85 9 विकेट सलमान खान तुमसे मिलना और मिले कहा आपकी गेंदे मिलने नहीं देते खिलाड़ियों को क्या गजब की गेंदबाजी है भाई सलमान छा गया है सलमान। दूसरी तरफ गुफान शायद दोनों खिलाड़ी इस नेचर टीम के पुराने खिलाड़ी कल पुराने खिलाड़ी हम भी थे लेकिन हमारे 3 नो बॉलें बड़ी थी और कल से क्रिकेट को अलविदा कर दिया फिर बाकी ये दो खिलाड़ी इन्होंने मैच को अपनी टीम की तरफ मूवमेंट पैदा किया है क्या गेंदबाजी लाजवाब गेंदबाजी तारीफ योग्य गेंदबाजी भाई इस गेंदबाज के पास बहुत ही चतुर चालाक खिलाड़ी है गेंदबाज से कैसे तो काफी पैसे बोलते रहते हैं आज 85 रन जुड़े हैं मामा लोग भी आज कोई घोषणा करी मैं तो इस गेंदबाज की तारीफ करूंगा भाई जबरदस्त गेंदबाज है और 100 रुपए अपनी तरफ से इनाम है इस गेंदबाज को बाकी ऐसे मामा साहब काफी बैठे रहते हैं बेरी टीम के यहाँ पंडाल में आज कोई मामा साहब की तरफ से इस खिलाड़ी के लिए घोषणा नहीं हुई ऐसे बुलाते हैं 500 हजार आज आप इस खिलाड़ी को देखो आप इसका जो गेंदबाजी का टेम्परामेंट देखो अभी तक आपकी तरफ से कोई घोषणा नहीं है जबरदस्त
दोनों सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं टीम के लिए। सूरज और आनंद स्वामी अन्ना बल्लेबाजी के लिए गए हैं। स्ट्राइकिंग छोर पर सूरज नेचा और नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर अन्ना। एटी सिक्स 86 रनों का एक सम्मानजनक यहाँ से लक्ष्य हो रखा है। आज के मैच के मेन एम्पायर करामत खान और यासिर खान। स्ट्राइक पर कौन है? सूरज। नॉन स्ट्राइक पर आनंद स्वामी, आरिफ खान। सिकंदर खान जहां कहीं भी हो मोहन दिलावर से संपर्क करें। बाहुबली अन्ना आया है बल्लेबाजी के लिए। गेंदबाजी का बाहर संभालेंगे आसिफ खान। आसिफ और द विकेट से पहली गेंद सूरज के लिए। पहली गेंद डॉट गए सर। पहली गेंद डॉट गेंद फिर से तैयार सूरज के लिए। लोअर का लेंथ की गेंद जिसको धीरे से पुश किया और डॉट गेंद। अच्छी गेंद जिसको कट करना चाहते थे लेकिन असफल रहे। फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और डॉट गेंद। एक और डॉट बॉल आरिफ के द्वारा। आरिफ ने अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है। तीन गेंदों पर एक भी रन नहीं दिया अभी तक। आरिफ एक बार फिर से तैयार सूरज के लिए। अच्छी गेंद जिसको डिफेंस किया। अचरु मामा नए कमेंटेटर। उठाकर मारने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। बेहतरीन गेंद ऐसे हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे भाई। गजब की गेंदबाजी सूरज के द्वारा। सूरज के खिलाफ आरिफ की जबरदस्त गेंदबाजी। काफी अच्छी गेंदबाजी आरिफ के द्वारा। ओवर की अंतिम गेंद लेकर आरिफ एक बार फिर से तैयार सूरज के लिए। अंतिम गेंद और ये गेंद हरकत करती है भाई। ये देखिए हरकत की है ना इस गेंद ने। छक्के के साथ स्वागत हुआ भाई। जबरदस्त शॉट ये सूरज का ट्रेडमार्क शॉट है भाई। इसी बीच विनोद भाई हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है विनोद भाई। सूरज ने आखिरी गेंद पर एक अच्छा शॉट लगाया। डारा नहीं है अभी तक इस टूर्नामेंट में। एक और भी समाप्त हुए स्कोर है 6 रन बिना विकेट के नुकसान पर।
पहले ओवर में स्कोर है 6 रन। गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे खालिद खान और स्ट्राइक पे होंगे आनंद स्वामी। फाइनल अभी तारीख कन्फर्म नहीं है, तारीख के आसपास होगा फाइनल। वो एक पार्टी में राइट हम ओवर तारीख की गेंदबाजी करेंगे। यह गेंद काफी अच्छी गेंद, गेंद को पॉइंट की दिशा में खेला। कोई रन नहीं, राइट हम राउंड तारीख की गेंदबाजी। ये गेंद फुल टॉस गेंद, गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जब तक कुछ ही गेंद को एक रन दौड़ के पूरा किया और इस एक रन के सारे स्कोर 7 रन। बाबू तस्कर हमारे बीच मौजूद, खालिद एक बार फिर से तैयार। राइट आर्म राउंड है सूरज के लिए, जिसको उठाकर खेला नीचे अकरम जाजोद फील्डर मौजूद। विकेट भाई सूरज के रूप में, अकरम जाजोद की कोई गलती नहीं, दौड़ी का आसान था कैचिया से। खालिद ने अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई, पहला और अब बड़ा विकेट भाई सूरज के रूप में गिरता हुआ। पहला झटका आसिफ खान भाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलारा से। आसिफ भाई जी बिंचरी का मैच अभी कन्फर्म नहीं कब होगा। नए बल्लेबाज के रूप में सलमान खान, शानदार गेंदबाजी की थी, जबरदस्त मैंने देखने को मिला था इस खिलाड़ी के द्वारा। नाम है सलमान खान और पहला विकेट गिर चुका है सूरज ने रूप में। वालेकुम अस्सलाम। और गेंदबाजी से जरूर इन्होंने धराशायी किया था टीम मगलूना को, तुमसे मिलना गेंद से बातें करना, लेकिन अब अपने बल्ले से कैसे बातें करते हैं खिलाड़ी सलमान खान। और खाकोली से होगा मैच, खाकोली में शानदार खिलाड़ी शानदार गेंदबाज आरिफ खान खाकोली, जो कि 2018-19 में आईपीएल सनराइज हैदराबाद की तरफ से जुड़े थे, एक जबरदस्त गेंदबाज और आर्मी मैन है। सलमान ने पहली गेंद के ऊपर अपने तेवर जाहिर किए हैं, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी के कारण विकेट कीपर के 10 रनों से दी गेंदबाज के पास। और यहाँ पे एक और विकेट देते सलमान की पेवलियन की तरफ आते हैं टीम नेशा को। अन्ना एक तरफ देखते हैं, एक छोर पे खड़े हैं अन्ना, सोच रहे हैं किस हिसाब से खेला जाए। नए खिलाड़ी आ रहे हैं आरिफ खान, फोर 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 नंबर टी शर्ट पहने हैं आरिफ खान, शायद क्रिस गेल तो नहीं पहने ना। रोमी भाई आपको ज्यादा जानकारी होगी यार, आपके करीबी है वो, ये चार वाला कौन है, मतलब आपके पास में रहते हैं, आपको ज्यादा जानकारी है, मैं तो बहुत दूर हूँ। मालूम सेमेंट की तरह है फोर फोर फोर। और आरिफ खान देखते नए खिलाड़ी क्या कर पाते अपनी टीम के लिए, दो बड़े झटके लग चुके हैं सूरज नेचुआ और सलमान पेवलियन की राह पे। नए खिलाड़ी जा रहे हैं आरिफ खान नॉन स्टाइल पे खड़े खड़े देख रहे हैं अभी अन्ना की क्या सिचुएशन है, किस हिसाब से खेलना होगा। मंजूर खिलाड़ी जरूर है आनंद स्वामी, क्योंकि जसवंतगढ़ टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, काफी बार लीड किया है और शानदार ट्रॉफी जीत के जसवंतगढ़ का नाम भी रोशन किया। गेंद अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर की समाप्ति। खिलाड़ी आउट नहीं होता तो जो गेंदबाज होता है जाता है पैर लगाता है सर के हाथ लगाता है, वो आउट नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से एक्शन की जरूरत ही नहीं, वो आउट नहीं हुआ, अगर आउट हो जाता तो आप जरूर एक्शन कर सकते हो। पता नहीं काफी गेंदबाजों को देखते हैं जाते हैं हल्की सी अपील करते हैं, वहां बैठते हैं पैरों के हाथ लगाते हैं सर पकड़ते हैं, अगर आउट नहीं हुआ तो क्या मतलब है। एक्शन अलग अलग होते हैं खिलाड़ियों के। दौड़ की समाप्ति पे कुल स्कोर मात्र 7 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। एम्पायर अभी भी जीत के लिए चाहिए रन है शायद 79। कठिन जरूर है
लेकिन क्रिकेट है अनिश्चित खेल, कुछ भी हो सकता है। अभी तक जबरदस्त गेंदबाजी, सेकंड इनिंग्स में मगलूला जी गेंदबाजों के द्वारा, अगर अन्ना का विकेट टाइम से निकल गया तो फिर मुश्किलें आएगी टीम इन्हें चौको। नहीं गेंदबाज है इरफान खान, तीसरा ओवर ले गए हैं और साइड वाली दबाव सामना करेंगे अन्ना आनंद स्वामी, जिन्होंने जसवंतगढ़ टीम की काफी वार लीड किया, कप्तानी के तौर पर टीम को जिताए भी, काफी टीम में कैप्टन भी रहे हैं। बिकाजी है रोमन भाई, दोनों ने खिलाड़ी जरूर कह सकते हैं यहाँ पे आरिफ खान और जबरदस्त गेंदबाजी, भारी भरकम के जरूर है खिलाड़ी गेंदबाज, लेकिन गेंदबाज का जो स्पीड है जबरदस्त। और अन्ना ने मार दिया है गेंदारी है, सीमा बहुत बड़ा छक्का भाई अन्ना के बल्ले से, छह रनों के लिए करामत। दो और तीन और पीछे मुड़ के हाथ जरूर ऊपर उठाए, आप एम्पायर हो, आप सारा आराम से आना चाहिए ऐसे एम्पायर हो। एम्पायर का मुख्य काम क्या होता है, चार रन का एक्शन देना, छह का एक्शन देना, आराम से दीजिए, एक बार नहीं दो बार दीजिए। परवेज भैया दोनों एम्पायर ध्यान दें, जब भी छक्का लगता है तो छोटी सी अंगुली खड़ी ना करे, दोनों हाथ हवा में ले रहे, आपका एक्शन होना चाहिए, जब आप एम्पायर हो ग्राउंड के अंदर हो तो पूरा एक्शन कीजिए। अगली गेंद अन्ना ने पिछली गेंद को सिमर के बार पहुंचे गेंद नहीं है और चार रन के लिए जाती हुई गेंद सिमर के बढ़ा। मैंने कहा था जब तक अन्ना है तब तक मुश्किल है टीम मगलूरा के लिए, क्योंकि मजबूत खिलाड़ी है, काफी बार इन्होंने जसवंतगढ़ टीम को लीड रोल भी किया है, काफी बार चेकआउट अंचल हो या दूसरी जगह हो इन्होंने अपनी अमीर छाप छोड़ी है। आनंद स्वामी विदेश के रूप में जुड़े हैं टीम नेटवर्क की तरफ से। एक बार फिर से इरफान की गेंद अन्ना के लिए हो रहा है, बिल्कुल अपील तो बहुत जबरदस्त हुई, अब देखते हैं अंपायर ने सारा क्या आता है यहाँ से। एम्पायर दोनों सूझबूझ भरे डिसीजन देने वाले खिलाड़ी करामत खान और परवेज भाया, सॉरी यासिर खान, बिल्कुल इसी बीच निर्णय दिया और एम्पायर सूझबूझ भरे एम्पायर हैं दोनों, परवेज खान सॉरी यासिर खान और करामत खान, हल्का सा दबाव बनाया यहाँ पे एम्पायर पे, लेकिन एम्पायर रोहन भाई वो कोई दिक्कत आ गई है, वो आज शाम तक क्लियर हो जाएगी, उसके बाद में वापस स्टार्ट हो जाएंगे। और शानदार एम्पायरिंग करते हैं, डिसीजन ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है फेसबुक पेज का, थोड़ा सा ही आप गलती करते हैं ना तो बिल्कुल दिक्कत हो जाती है। अन्ना अन्ना के लिए चले हैं गेंदबाज वापस, एक और रन यहाँ से भी मिलेंगे, जबरदस्त चार रनों के लिए जाते हैं गेंद से मारे, एक और बाउंड्री चार रन के लिए, अन्ना वाकई में है चौकन्ना, जबरदस्त प्रहार चार रनों के लिए गेंद से मारे क्योंकि बाहर, स्कोर बढ़ता है धीरे धीरे, स्कोर बढ़ता है धीरे धीरे 21 रन। और मेरे साथी खिलाड़ी है मोनू दिलावर, इनकी तारीफ पूर्वक है, तीन ओवर की समाप्ति में स्कोर रखा हुआ अभी भी 21 रन, अभी जीतने के लिए चाहिए मात्र है बैलेंस गेंद, इसके बाद में अगला मैच होगा, इस मैच की विजेता टीम का बराबरी का मामला है, उनके सामने टीम रहेगी जब तक अन्ना क्रीज पे है, पिछले मैच की विजेता टीम खाकोली। और जब तक अन्ना क्रीज पे है तब तक नेटवर्क की उम्मीदें काफी बरकरार है,
और अब आरिफ खान चारों तरफ देख रहे जरूर है लेकिन खेलते कैसे ये पता चलेगा उनका। चारों तरफ उन्होंने चारों दिशाओं में देखा कि खिलाड़ी कहां मौजूद है। अब खेलते कैसे, नए गेंदबाज है, खाली खाली दें गेंदबाज सामना करेंगे आरिफ खाली की इनका पहली दफा। तीन ओवर की समाप्ति पे 21 रन बन चुके हैं खालिद, बहुत शानदार गेंद। दो विकेट के नुकसान पे अगली गेंद खेल दिया जा रही है गेंद सिमारे का बाहर रिवर्स के रूप में, बड़ा छक्का भैया से, बहुत ही जबरदस्त शॉट। और यहां से मैच खुलता हुआ मात्र 59 रन से जीतने के लिए 41 गेंदों में। यह मैच बराबरी का है, अगर यहाँ पे बल्लेबाज को गलती नहीं करते आनंद स्वामी अन्ना का साथ देते हैं हरिफ खान तो टक्कर का मामला होगा। पहली गेंद दिशा है गेंदबाजी रन खाने के बाद में दूसरी गेंद शानदार डाली यहाँ पे गेंदबाज खालिद ने, बराबरी का मामला है। अगर यहाँ एक दो ओवर अच्छे निकल जाते तो प्रेस रहेगा बल्लेबाजी पे। ये गेंद फुल टॉस गेंद सीमा रेखा के बाहर जरूर नहीं गई लेकिन एक रन जरूर मिला, बढ़ता हुआ स्कोर। दो विकेट के नुकसान पे चौथा ओवर चलता हुआ और रीड गेट है आनंद स्वामी अन्ना, इनका विकेट अगर टाइम से निकल गया 5 ओवर में फिर मुश्किल है टीम नेता को। ये खिलाड़ी बड़ा जबरदस्त है, जबरदस्त शॉट मारता है, मैच की सिचुएशन से खेलता है। हमेशा इस खिलाड़ी के काफी मैच देखे हैं, शान स्वभाव के खिलाड़ी अपने काम करता रहता है, स्कोर को चलाता रहता है। अब चले खाली जबरदस्त गेंद और इस बीच बिल्कुल रोमियो भाई बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। सैंतीस गेंदे हैं 56 रन थी, यहाँ पर एक दो विकेट निकल गए तो फिर मुश्किल रहेगी टीम नेता को। एक और पावरफुल शॉट ये चौका ना कर देता है गेंदबाज को, बल्लेबाजी भाई आनंद के द्वारा 10 गेंदों पे 20 रन पे पहुंच गए जाए उतना कम। ये खिलाड़ी गेंद को 34 रन लेके चलने वाले खिलाड़ी है और यहाँ पे दर्शनीय शॉट इनके बल्ले से निकलते हुए 36 गेंदों पे 52 रन चाहिए। शानदार दर्शनीय शॉट होगा इन्होंने ऑफ साइड में, खिलाड़ी देखने में कामयाब थे भागते दौड़ते तब तक गेंद से मारे बाहर चली गई। सुंदर शॉट 4 रनों के लिए, जबरदस्त बैटिंग यहाँ पे आनंद स्वामी अन्ना के द्वारा। आज सूरज नेहरा जरूर आउट हो गए, वो भी काबिल तारीफ बल्लेबाज है, क्रिकेट का निशो खेल है, कभी खिलाड़ी 0 पे आउट होता है, कभी 10 बनाता है, कभी 100 बनाता है, क्रिकेट का खेल ऐसे खेल है। अभी तक जब तक अन्ना है तब तक टीम का दारोमदार काफी मजबूत रहेगा इस मैच में और उनका साथ निभाना होगा आरिफ खान, कोई ऐसी मिस्टेक ना करे, गलती से विकेट ना दे। और यहाँ से गेंदबाज की पूरी कोशिश है अक्रम जाजोदाई और अक्रम जाजोदाई है गेंदबाज के लिए, विदेशी खिलाड़ी मगलोना तरफ से जुगड़े हैं, सामना करेंगे आरिफ। अक्रम की पहली गेंद का दबा, ये सामना होगा और ये लीजिए भाई कैच ड्रॉप हुआ यहाँ से नितिन मीणा के द्वारा, ये आसान सा कैच ड्रॉप हुआ है, हल्की सी आवाज आई आरिफ खान का खिलाड़ी के द्वारा भी, ये कैच होना चाहिए था, वाह लाजिमी था, ये कैच पकड़ना जरूरी था, बाकी क्रिकेट है कभी कैच ड्रॉप, कल सुदर्शन की तरफ से 9 कैच ड्रॉप हुए थे, क्रिकेट चलता रहता है। जबरदस्त यहाँ पे पहली गेंद शानदार डिलीवरी डाली थी और कैच ड्रॉप खिलाड़ी ने, एक और अच्छी गेंद अक्रम के द्वारा, बाल बाल बचे यहाँ पे। मेरे ख्याल से यहाँ पे आरिफ खान को सिंगल डबल रोटेट करके यहाँ स्ट्राइक देनी चाहिए अपने खिलाड़ी आनंद स्वामी को।
कांग्रेस चलता जाएगा और समझ से बाहर है। कभी उल्टा शॉट कभी सीधा शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बार बार डॉट गेंद खेलते हुए खिलाड़ी आरिफ खान अभी तक तो बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है भाई अक्रम के द्वारा और ये देखिए फिर से खराब हो गया। यहां से निकल के तो मेरे ख्याल से काफी महंगे पैसा भी दो सकते हैं और बाउंड्री बनेगी यहां से 4 रन के लिए। सीमा रेखा के बाहर चली गई पाकी बहुत ही खराब हरी कार्ड की तरफ से गई इसमें और मैच कैच छोड़ दे और एक कोई साथ नहीं दिया। आनंद स्वामी ने 4 डॉट बॉल खेल चुका है खिलाड़ी। प्रेशर किस पे आता है जो नॉन स्ट्राइक पे आपका मजबूत खिलाड़ी खड़ा रहता है उसके ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है। जब डॉट बैटिंग गुड बॉल निकलती है इस सिचुएशन में आपको स्ट्राइक लेके सिंगल रन लेके नॉन स्ट्राइक खिलाड़ी जो खेले मंजे खिलाड़ी उनको देनी चाहिए अगली गेंद। अक्रम की गेंद डॉट पे डॉट शानदार गेंदबाजी अक्रम के द्वारा। 5 डॉट बॉल खेलते हुए खिलाड़ी आरिफ खान कायमपुरा का मैच भी कन्फर्म ने भी आरिफ खान पे तो कोई प्रेशर नहीं आएगा लेकिन नॉन स्ट्राइक पे खड़े हैं खिलाड़ी उसके ऊपर काफी प्रेशर है क्योंकि खिलाड़ी को पता है सिचुएशन किस हिसाब से और यहाँ पे अभी भी गेंद और बॉल में मुकाबला चलता है और यहाँ पे एक दो और खेलते हाथ में गेंद थी और भागना चाहते थे आरिफ खान मना किया वहां पे आनंद स्वामी ने खतरा था। स्कोर पहुंचा 38। हाँ बिल्कुल रोमन भाई तो आपने बताया नहीं यार कौन सी कॉपी पियोगे आपको जो पूछा था उसका जवाब दिया नहीं आपने। 48 रन दस रन प्रति ओवर रन रेट से रन बनाने और आरिफ खान जो गए हैं समझ से बाहर है 6 गेंदें खेल गए और डॉट बोले आपका यहाँ काम था वो चौका गया भाई का कहा बैट से जाता है चलो कोई बात नहीं। 10 रन प्रति ओवर रन रेट से यहाँ रन बनाने हैं। अनिल स्वामी अन्ना जब तक क्रीज पे है मुश्किल काम नहीं है और आरिफ खान जितने डॉट खेले हैं उनको उतना अच्छा खेल दिखाना होगा मैच में अगर बने रहना है तो कमेंट्री बॉक्स की तरफ ज्यादा ध्यान दे के आप ग्राउंड में ध्यान दे खेल में ध्यान रखें खिलाड़ी का काम होता है ग्राउंड में फोकस ज्यादा रखें। अगली गेंद बत्तीस गेंदे 48 रन फिर चाय सही है रोमन भाई चाय पियेंगे। इस ओवर में अगर 2 बाउंड्री आ गई फिर मैच बन सकता है और अन्ना ने दिखा दिया चौकन्ना बहुत बड़ा छक्का जबरदस्त अन्ना के बल्ले से निकलता हुआ एकदम सही लाइन और लेन से गजब की बल्लेबाजी भाई यहाँ से आनंद स्वामी के द्वारा देखने को मिलते आपके लिए गेंद डालू और आप बाहर कीजिए इस गेंद को पूरा मौका मिला इस 12 गेंदे खेली अभी तक 26 पे पहुंच चुका है ये बल्लेबाज जबरदस्त बिल्कुल एक तरफा अपने टीम को यहाँ से मैच की तरफ लेके जा रहा है ये जो अनुबंधित खिलाड़ी जुड़ा है आनंद स्वामी जसवंतगढ़ का एक बिल्कुल स्टार बल्लेबाज। एक समय था जब जसवंतगढ़ टीम की बिल्कुल तुत्ती बोलती थी लेकिन अब पिछले कुछ समय से टीम है वो बिल्कुल टूट चुकी है तब आपको बहुत कम देखने मिलती है टूर्नामेंट से भी कम देखने मिलती है और बिल्कुल जीतते भी बहुत कम आजकल तो क्योंकि इनकी टीम बिल्कुल लगभग अब टूट चुकी है जो इनके खिलाड़ी है वो बिल्कुल अब 4-5 तो विदेश चले गए हैं कुछ अपने काम धंधे में बिल्कुल बिजी है तो अन्ना कर रहा है सबको चौंकाना आरिफ खान को पूरा साथ देना होगा अपनी टीम के खिलाड़ी अन्ना को ओ हो बाल बाल बचे अब की बार अगर अब की बार गेंद लगती तो शायद मेरे ख्याल से विकेट की प्रतिद्वंदिता में जाके समझ आती जबरदस्त स्विंग हुई गेंद अभी तक एक छक्का खाया लेकिन फिर भी अच्छी वापसी भाई
लाजवाब आउटफील्ड भाई, ग्राउंड गई 4 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर। राशि है लग न जाए, बाकी क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है। हबीब खान बादित के द्वारा टीम मकड़ा का जीते तो 500 रुपए इनाम के तौर पे। हाँ रोमियो भाई आ रहा हूँ फिर श्याम कुमार आज। हबीब खान हमारे मामा बिल्लू मामा जो कि मगरूला के पावड़ा भी है, अगर टीम मगरूला जीती है तो 500 रुपए 24 गेंदों पे 38 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए टीम नेचुआ को। एक बंदा भाई मोनो कोई भी हो देरी का यहाँ आके बैठ जाए, स्कोर का हमें पता नहीं चल रहा है, स्कोर यहाँ से चला गया। कोई भी भाई हो एक मिनट एम्पायर करामत चलाओ चलो। ये हाँ बिल्कुल साबिर भाई जरूर बोलेंगे, रन आउट का मौका ही रह गया सिर्फ। और एक सुंदर शॉट होगा था पिछली गेंद पे अन्ना ने 4 रन से मारे गए बाहर गए, कुल स्कोर बढ़ता हुआ। सही बता रोमन भाई, वो पचास रन बन चुके हैं और वे है 6.1 और हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पे। अन्ना जब तक है टीम मजबूत है और अन्ना ने खेल दिया जबरदस्त शॉट भाई, काबिले तारीफ बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है भाई अन्ना के द्वारा, तारीफ करता हूँ जबरदस्त खेल खेलते हैं। 17 गेंद पे 36 में पहुंच चुके हैं बल्लेबाज शान स्वभाव का खिलाड़ी, ऐसे दर्शनीय शॉट आपको सूरज ने तो दिखा दे, लेकिन क्रिकेट अनिश्चित खेल है, कुछ भी पता नहीं चलता कौन सी गेंद पे कौन सा खिलाड़ी आउट हो जाता है, कौन से पे छक्का कौन से चार, ऐसे चलता रहता है क्रिकेट में। 31 काफी भारी रहेगी नेचर, विदेशी वर्सेज विदेशी, एक तरफ अन्ना दूसरी तरफ अक्रम। राशियों का संगम से कुछ नहीं होता, अक्रम हो चाहे अन्ना हो, जिसके बल्ले पे आ गए वो भार और जिसकी गेंद अंदर चल गई विकेट। क्रिकेट अन्य चौक खेला अगली गेंद सुंदर शॉट ये बेहतरीन है, लेकिन ये कैच ड्रॉप बिल्कुल कैच ड्रॉप हुआ हो रहा है, रन मिले यहाँ से पूरे 6 बिल्कुल भाई, एक और बड़ा छक्का के बल्ले से मैंने एम्पायर करा माथा के द्वारा 54 रनों की एक बेहतरीन साझेदारी उसकी भाई। के बाहर अन्ना सबसे भारी विकेट बना दिया था यहाँ से अक्रम जाजूद ने, लेकिन उनके फील्डर ने साथ नहीं दिया यहाँ से लगने वाला दूसरा मेरे ख्याल से शानदार ये शॉट, विदेशी के ऊपर विदेशी भारी अक्रम पे अभी तक अन्ना स्वामी भारी। स्कोर बढ़ता हुआ 61, जीतने के लिए अब चाहिए मात्र रन 25। 21 गेंदों पे 25 गेंदों में यह मैच हबीब खान बाद 500 रुपए मेरे ख्याल से अंदर ही रह जाएंगे, लग रहा मुश्किल है क्रिकेट आदमी तो खेल है। पावड़ा जी हबीब खान बाद मगलोड़ा के सुंदर शॉट वहां पे खिलाड़ी मौजूद, इस बार 1 रन मिले जबरदस्त फील्डिंग 20 गेंदों 24 रन। अब आरिफ खान क्या करेंगे ये देखने लायक है, शायद बॉट में खेल जाए खिलाड़ी फिर मुश्किल आएगी अन्ना पे। अगली गेंद अक्रम चले आरिफ के लिए जोरदार खेल दिया, लाजवाब शॉट कमाल का शॉट 4 रन के लिए आरिफ खान ने बोला डॉट के बाद। वालेकुम असलाम इमरान भाई, और यहाँ पे मैच जंगशीर सिंह जी बढ़िया जबरदस्त शॉट देखा इस पारी का, मेरे ख्याल से अभी तक सबसे महंगा और कहा जा सकता है। और आरिफ खान बोट खेलते खेलते मैक्सवेल बन गए बीच में आके, कमाल का शानदार 4 रन जबरदस्त रन। अरे वाह गजब की बल्लेबाजी भाई आरिफ के द्वारा, क्या जबरदस्त फरार की है। अब चाहिए 18 में 14 उसके बाद में आई बारी, मैंने कहा था कम मैच में बदल सकते हैं, मैक्सवेल बन गए यहाँ पे।
18 में 14 चाहिए। सूरज नेहरवाल भी खुश हो रहे हैं इस बल्लेबाज के, जब दो खेल रहे थे तब राजस्थान में सब बोलते रीस खा रहे थे, सूरज नेहरवाल रीस खा रहे थे। पिछले ओवर में भाई 3 छक्के हो रहे हैं, एक चौका। अरे दलेर नेहरवाल के द्वारा अब अन्ना भी कुछ बेफिक्र होकर खेलेंगे, क्योंकि पता है कि अब आरिफ खान भी लाइन में आ चुके हैं, अब जीत के लिए से मात्र 14 रन 18 गेंदे। और मेरे ख्याल से इस स्पेल का सबसे महंगा ओवर कहा जा सकता है, 24 रन आए थे इस मैच में, पूरी मैच की तस्वीर बदल गई थी। हबीब खान बाटे थी अब सोच रहे हैं कि मेरे 5 रुपए अंदर रखो या मगलोर टीम को वैसे दे देंगे, कुछ मिजाज दिल इंसान है। ये है अन्ना, शॉट है, ये भी कड़क हो रहा है, जबरदस्त है, 2 रन मिल जाएंगे यहाँ से। इसी बीच मात्र जीत के लिए चाहिए 12 रन। आनंद भाई खाने वाले आसनी का मैच इमरान भाई बता देंगे आपको। वालेकुम अस्सलाम। अरे गेंदबाज और थे भाई साहब, नाम याद नहीं, जबरदस्त गेंदबाजी थी। और यहाँ पे अन्ना चमकते सितारे, जसवंत टीम को काफी बार इन्होंने लीड रोल किया है, टीम को काफी बार ट्रॉफी जीता है। अन्ना आनंद स्वामी वालेकुम अस्सलाम गुलफाम भाई, और तेरी टीम के सम्मान दिया ब्रेड पे डाली हुई गेंद थी। 1994 से मैं देख रहा हूँ कोच रह चुके हैं नबाब मामा, जो कि अभी तक कोच ही है, हमेशा वॉलीबॉल के लिए बहुत इनकी रुचि है। उनकी तरफ से आनंद स्वामी अन्ना को 100 रुपए इनाम के इस पारी के लिए, और इसी बीच 2 रन चुरा लिए खिलाड़ियों ने। और ये देखिए भाई रनिंग, देखिए शानदार रनिंग, यहाँ से 2 रन पूरे किया। और इसी बीच हमारे अजीत जिगरी अक्रम भाई हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है सेठी भाई आपका। 100 रुपए इनाम के, तो क्या लाजवाब बल्लेबाजी आज देखने मिली भाई आनंद स्वामी के द्वारा। 22 गेंदों पे 47 रन, मात्र 3 रन चाहिए और जीतने के लिए चाहिए यहाँ से 10 रन। खेल को लेकर चलने वाला खिलाड़ी बहुत ठंडे दिमाग से क्रिकेट खेलता है। ये गेंद सुंदर गजब का शॉट, और ये देखिए अपना अर्धशतक पूरा यहाँ से बल्ला, देखिए भाई इस खिलाड़ी ने अकेले ने क्या बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी भाई, 13 गेंदों पे 51 रनों की पारी बल्लेबाजी भाई, तारीफ योग्यदार पारी यहाँ पे। और दोस्तों ने अभिवादन किया इस खिलाड़ी का, तालियां पीट के। आनंद स्वामी जो कि जसवंतगढ़ से आए बिलोंग करते हैं, विदेश के रूप में जुड़े थे नेशनल टीम में, इस बार ऊपर बहुत गए भाई, अब कैच लेंगे या नहीं लेंगे, नहीं लेंगे भाई, 100% एफर्ट, तो खिलाड़ी ने अपना एफर्ट दिया है 100%। क्या जबरदस्त वहां से दौड़ के आए, कम से कम 20-30 कदम दौड़ते भागे और गेंद को गैदर करने की पूरी कोशिश की, 100% इस खिलाड़ी की फील्डिंग का एफर्ट का इजाजत है। अंतिम गेंद पे बाउंड्री के साथ जिताएंगे अपनी टीम को। और अन्ना खेल भावना ये होती है, अन्ना ने भी इस खिलाड़ी की सिर्फ एक ही रन लेंगे और तालियां दी, ये होता है खिलाड़ी के प्रति दूसरे खिलाड़ी की तारीफ करना, फिर बड़े खिलाड़ियों की बातें होती है। और मैं तो कह रहा हूँ क्रिकेट हमेशा जोड़ने वाला कार्य करता है, भाई फोसाब कर रहे हैं कमेंट, चाहे फेसबुक पे रहो, चाहे और चीजों पे रहो, सोशल मीडिया पे रहो, अच्छी चीजें जरूर लिखे। आप घोषणा करो फोसाब की कमेंट्री के लिए, कुछ मकसूद दिलावर भाई हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है मकसूद भाई। आराम देख दिल में कुछ अलग सा महसूस होता है, अच्छे पॉजिटिव सोच से कोई आप अपना विचार लिखे। रोमन भाई जब सेठी भाई हमारे पास आएंगे ना वो डिनर के लिए, फिर दिखाएंगे इनको डांस। क्रिकेट एक ऐसे ही खेल का रंग है जहाँ पे हमेशा खिलाड़ी एक दूसरे से जुड़ते हैं। शाम का विश्राम है ये, तो ये 900 भाई के पास करेंगे जबरदस्त बेहतरीन शॉट, ये देखिए भाई जीत दिलाई यहाँ पे अपनी टीम को, बेहतरीन बल्लेबाजी भाई यहाँ से अन्ना के द्वारा। आज जितनी तारीफ करे उतनी कम यहाँ से भाई, ओपन में देखे ओपन से अंतिम समय में इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच को बिल्कुल आपके सामने दिखाएंगे लाइव कमेंट्री के माध्यम से। मैंने कहा था जब तक ये अन्ना है तब तक मैच 26 गेंदों पे 58 रन की है, लाजवाब पारी हो रही, ले चलते आपको कमेंट्री बॉक्स में। और यहाँ पे तरस आएगा, क्या बल्लेबाजी की काबिले तारीफ, लाजवाब बल्लेबाजी, वाकई में मानना पड़ेगा सीनियर खिलाड़ी जसवंतगढ़ के।
अब होगा अगला मैच खगोली वर्सेज मैच हुआ, उसमें जरूर मुझे एक मुकाबला देखने को मिल सकता है, वो है अन्ना वर्सेज आर्य। एक तरफ होगा मुकाबला, ये भी खड़ा होगा मुकाबला, अगला भी बड़ा होगा, होगा अनु जहाँ पे आपको एक तरफ तब तक खगोली टीम जिसमें आ रही जो की आईपीएल बिल्कुल खेल चुके हैं और उनके सामने टीम नेचुआ जिसमें सूरज अन्ना बड़े बड़े नाम नजर आएंगे आपको। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच है आनंद स्वामी, 26 गेंदों पे 58 रन। भाई आनंद स्वामी जहाँ कहीं भी हो, नवाब खान कोच जो कि 1994 से वॉलीबॉल टीम बेरी के वो कोच रह चुके हैं, शानदार उनकी तरफ से हौसला अफजाई के लिए 100 रुपए। पहले तो मैं अन्ना से पूछना चाहता हूँ, आपका मैंने कब द्वार रीड लॉन में मैच देखा है, जहां भी जाते हो एक अमित छाप छोड़ते हो, क्या जबरदस्त आपने बल्लेबाजी की थी। मोनू मेरी दोनों की बातचीत चल रही थी, मैं बोला मोनू 7 ओवर तक अगर अन्ना टिक गया तो ये अकेला मैच निकालने की मादा रखता है। इस खिलाड़ी का खेलने का जो जज्बा है, जो टेम्परामेंट है, शांत स्वभाव के खिलाड़ी है, स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं, गेम को लेकर चलने वाले हैं और ऐसी आज आपने बल्लेबाजी की तो इसके लिए जरूर बेरी ग्राउंड के बारे में भी बताइए, खिलाड़ियों के, दर्शकों के, मैनेजमेंट के और अपनी इस इनिंग्स बारे में आज जरूर दोस्तों बताइए। सबसे पहले तो मैं बेरी के इस ग्राउंड की तारीफ करूंगा कि ग्रामीण क्रिकेट में ऐसा बहुत कम देखना मिलता है, जैसे बढ़िया से बढ़िया देखे हैं तो हम किंडोली, भींचरी, बेरी, बोरावड के बराबर का उन्होंने ये जो आयोजन किया है बहुत ही शानदार और काबिल तारीफ है और बहुत ही बढ़िया टीम है मंगलूना। ऐसी बात नहीं है हार जीत क्रिकेट में होती रहती है, लेकिन मंगलूना टीम अपनी पूरा 100% देती है, जी जान से खेलती है, अनुशासित टीम है और हमेशा से अक्रम जाजोद एक ईमानदार और बहुत ही बढ़िया इंसान है। वो क्रिकेट में कभी कोई चलता है कभी कोई नहीं चलता है, दिन इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन बहुत ही शानदार इंसान है। और जैसे आप गेम का पूछ रहे हो तो मेरा गेम तो मेरे बड़े भाई साहब संजू भाई साहब, संजय स्वामी आप सभी जानते हैं, तो उन्होंने हमेशा यही सिखाया, सी द बॉल हिट द बॉल, बॉल को देखो और मारो, बस इतना ही गेम है अपना। बाकी जो आपके तो गेंदबाज थे बड़े लाजवाब गेंदबाज थे, तूफान खान और सलमान खान, इनका जो मैंने स्किल और टेम्परामेंट देखा कुछ बता सकते हो। मैंने पहली बोल दी लेडर्स के अलावा है सलमान खान, क्या गजब की गेंदबाजी की उन्होंने, मैच का छोर जो एक तरफ एक और मोमेंट बना था उन्होंने अपने गेंदबाजी से अंतिम समय में जो स्किल दिखाया और जो विकेट लिए देखने लायक विकेट थे। देखिए एक ये चीज आप हमेशा जानते हैं, ओल्ड इज गोल्ड, और वो वही है जो ये सीनियर होते हैं वो जो कोई भी बात बोलते हैं वो ऐसे नहीं बोलते, उन्होंने अपनी उम्र लगा दी है इस खेल के अंदर, पूरा उनका अनुभव है और जो उनका शांत स्वभाव है वो उसी के अनुरूप बॉलिंग करते हैं। सबसे बेस्ट चीज एक्सपीरियंस ही होती है, उनके पास एक्सपीरियंस है, नए खिलाड़ियों को उनसे सीखना चाहिए किस तरीके से खेलना चाहिए, किस तरीके से अनुशासन रखना चाहिए। आप डिसिप्लिन से खेलोगे तो आप क्रिकेट सीखोगे, अगर आप घमंड के अंदर खेलोगे तो आप क्रिकेट कभी नहीं सीखोगे, बस एक दूसरे की टांग खींचते रहोगे। और जो ये सीनियर गेंदबाज थे उन्होंने पूरा मैच पलट दिया, उन्होंने जो अच्छे लय में नजर आ रहे थे अकरम, नितिन और जो उस टीम के एक अच्छे बैट्समैन है सचिन शाहरुख, उनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से आउट किया, लेकिन उनकी बॉलिंग को देख के लगता नहीं था क्या वो ऐसा कर पाएंगे, लेकिन जिस धारदार उन्होंने बॉलिंग की बहुत ही काबिले तारीफ, शानदार एक्सपीरियंस, इसी को ही बोलते हैं। और आज के मैन ऑफ द मैच है इस मैच के आनंद स्वामी, जरूर जाए वहां पे जो दादा कायम का क्रिकेट प्रतिभा लगी हुई है, जो बैनर लगे हुए वहां पे बेरी के हमारे मामा जी जिनकी तरफ से मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है, जबरदस्त इनके द्वारा बैटिंग की गई आनंद स्वामी अन्ना, और याद रखे जाएंगे साथ में सलमान आना गुफा, क्या कमाल का खेल दिखाया इन्हें खिलाड़ियों ने, वेल डन बेरी, और बेरी का क्राउड युवा खिलाड़ी अति उत्साहित से मैच देखते हैं, शांतिपूर्ण मैच देखते हैं, पूरा आनंद लेते हैं। और अगला मैच होगा खगोली वर्सेज जिसमें मेरे को सबसे बड़ा मैच फैक्टर होगा वो होगा अरिफ खगोली।